आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, जहां उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों को आए 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। इस बीच देश की नजरें योगी आदित्यनाथ पर टिकी है, जो आज दिल्ली आ रहे हैं। अपने दिल्ली दौरे पर सीएम योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के साथ बैठक में सरकार की रूपरेखा तैयार करेंगे। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बावजूद अब तक यूपी में नई सरकार के गठन का ऐलान नहीं हुआ है, जबकि सूत्रों के मुताबिक योगी का शपथ ग्रहण होली के 2 दिन बाद यानी 20 मार्च को हो सकता है। साल 2017 में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद योगी ने 19 मार्च के दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन इस बार क्योंकि 17 और 18 मार्च को होली है और 19 मार्च को एमएलसी नामांकन की आखिरी तारीख है, इसलिए योगी के 20 मार्च को शपथ लेने की भी अटकलें तेज हो चुकी है। तो आपको बता दें कि बीते 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आ गए थे। इस दौरान भाजपा को 237 सीटों पर जीत मिली थी। तो आपको बताते चले कि जिसके बाद अब आज सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली जा रहे हैं। इस दौरान वो दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के तमाम दिग्गजों से मिलेंगे। तो इस दौरान हमारे संवाददाता अजहर हमारे साथ इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। तो अजहर, योगी आदित्यनाथ कब तक दिल्ली पहुंच सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को 2022 विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल हुई है, और जिसके बाद ये तमाम तरह के ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जो शपथ ग्रहण की तारीख है इसका ऐलान कब होगा, इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व हो चाहे वो शीर्ष नेतृत्व हो लगातार इसको लेकर बैठकें कर रहा है। और जिस तरीके से अगर कल की बात की जाए, शनिवार को भी मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम प्रदेश के जो नेता है थे, चाहे वो स्वतंत्र देव सिंह हो या संगठन मंत्री सुनील बंसल हो, तमाम तरह की बैठकें हुई हैं और इसको लेकर या कुछ मंत्रिमंडल को लेकर क्या कुछ समीक्षा की गई है और किसको मंत्रिमंडल में रखा जाएगा किसको नहीं रखा जाएगा इसको लेकर वहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर है। लगभग 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे और इसके बाद लगभग 11:30 बजे वो सदन पहुंचेंगे और वहां पर जाकर प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात होगी। प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह के साथ साथ तमाम जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो वहां पर मौजूद होगा और मंत्रिमंडल से लेकर शपथ ग्रहण की तारीखों तक तमाम तरह की जो चर्चा है, तमाम तरह का जो विचार विमर्श है वो आज होने की संभावना है। और जिस तरीके से ये बात निकलकर सामने आ रही कि होली के बाद यानी 17 और 18 को होली और 19 तारीख को एमएलसी नामांकन की डेट है, उसके बाद जिस तरीके से 20 तारीख जो निकलकर सामने आ रही है कि हो सकता है 20 तारीख को शपथ ग्रहण हो और इसके बाद मंत्रिमंडल में लेकर किसको शामिल किया जाएगा और जो 2017 के जो मंत्री रहे हैं इनको लेकर क्या कुछ बदलाव होगा, क्या कुछ नए चेहरे जुड़ेंगे, तमाम तरह की चीजें हैं, इसको लेकर विचार विमर्श आज भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। और इसके अलावा जिस तरीके से मंत्रिमंडल को लेकर मंत्रियों में कई लोगों के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, चाहे वो ब्रजेश पाठक हो चाहे वो बेबी रानी मौर्य हो, तो तमाम तरह के जो नाम है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। और जिस तरीके से जैसा कि दो डिप्टी सीएम रहे हैं 2017 में, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बदलाव देखने को जरूर मिलेगा क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को भी हो सकता है शामिल किया जाए और इसके अलावा बेबी रानी मौर्य भी इस रेस में है और इसके अलावा ब्रजेश पाठक को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। जी अजहर, तो अगर देखा जाए तो डिप्टी सीएम के चेहरों के लिए कई नाम सामने आ रहे हैं, तो इस रेस में टॉप 2 नंबरों पे कौन चल रहा है? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से हो सकता है कि जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ जो ब्रजेश पाठक को जीत हासिल हुई है, तो कहीं ना कहीं ब्रजेश पाठक का नाम काफी आगे चल रहा है और साथ ही साथ बेबी रानी मौर्या भी हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री के रूप में देखी जा सकती है 2022 में, लेकिन अब ये तो शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा कि किसको मंत्रिमंडल में रखना है किसको नहीं रखना है। साथ ही आपको बताते चले, सरोजनी नगर सीट से विधायक बने राजेश्वर सिंह का भी नाम मंत्रिमंडल में शामिल है और इसके
अलावा चाहे वो असीम अरुण हो और चाहे वो शलभमणि त्रिपाठी हो, तो तमाम तरह के ऐसे नेता हैं जो नए चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में अभी आए हैं, तो इसके अलावा भी इनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। वहीं बात करें डिप्टी सीएम की, तो ब्रजेश पाठक और बेबी रानी मौर्य का इनका साफ तौर से नाम आ रहा है। कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस रेस में है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, तो उसके बाद देखने वाली बात होगी कि उन्हें उप मुख्यमंत्री की फहरिस्त में लाया जाता है या नहीं लाया जाता है। अच्छा, अगर बात कर रहे मतगणना की, तो मतगणना के दौरान जो नतीजे सामने आए थे, इस दौरान कई नए चेहरों को जनता ने सराहा था, नए चेहरों को पसंद किया था, तो क्या लगता है कि योगी सरकार में नए चेहरों को कितनी जगह मिलेगी या नए चेहरों को मंत्रिमंडल में क्या कुछ स्थान मिलेगा? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से चाहे वो पूर्व ईडी डायरेक्टर राजेश्वर सिंह हो या पूर्व कमिश्नर असीम अरुण हो या इसके अलावा मुख्यमंत्री के सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी हो, तो ये तीन चेहरे जो हैं इनको हो सकता ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी मंत्रिमंडल में, क्योंकि इन्हें प्रचंड बहुमत से जीत भी हासिल हुई है। और इसके अलावा अनुप्रिया पटेल को भी कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। इसके अलावा संजय निषाद की भी बात की जा रही है, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से संजय निषाद की पार्टी को भी काफी सीटें हासिल हुई हैं और इस बार और बीजेपी की सहयोगी पार्टी रही है, तो संजय निषाद को भी मंत्रिमंडल में रखा जाएगा। अब तो ये देखने वाली बात होगी, ये पूरी जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व की है और आज बैठक में ये तमाम तरह का विचार विमर्श होगा, तमाम मंथन होंगे और इसको लेकर इसके साथ ही तमाम जो विधायक हैं वो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं और अपनी दावेदारी मंत्री को लेकर शीर्ष नेतृत्व को पूरी तरह से सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि इस तरीके से देखा जा रहा है 2022 का भी चुनाव है, तो जातीय समीकरण साधने के साथ ही जिस तरीके से तमाम जातियों के जो नेता हैं उनको भी हो सकता है मंत्रिमंडल में रखा जाए, क्योंकि ये जो 2022 का जो मंत्रिमंडल तय होगा और जो 2022 की सरकार में जो लोग आएंगे यही 2024 की रूपरेखा तय करेगा। तो देखने वाली बात होगी, बड़ी दिलचस्प बात होगी कि इसको लेकर क्या कुछ निकल कर सामने आता है और किन नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है और किन नेताओं को उप मुख्यमंत्री के तौर पर रखा जाता है। अगर अगर केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, तो वो सिराथू सीट से चुनाव हार चुके हैं, जबकि 2017 के मंत्रिमंडल में उन्हें डिप्टी सीएम का दर्जा दिया गया था, तो इस बार क्या लगता है उनको इस बार कौन सा दर्जा दिया जाएगा? बिल्कुल, जिस तरीके से उन्हें हालांकि चंद वोटों से ही उनको हार हुई और वहां से पल्लवी पटेल को जीत हासिल हुई है, लेकिन पिछली सरकार में 2017 की सरकार में डिप्टी सीएम रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन अब ये तो देखने वाली बात होगी कि फिर से उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाता है या मंत्रिमंडल में कोई अहम भूमिका दी जाती है, अहम जिम्मेदारी दी जाती है, ये तो आज शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। लेकिन जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री की रेस में लगातार ब्रजेश पाठक हो, चाहे वो बेबी रानी मौर्य हो और या तमाम संजय निषाद का भी कहीं ना कहीं नाम सामने आ रहा है, तो अब ये पूरी तरह से शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा आज की किस तरीके से मंत्रिमंडल में किसको रखना है, किसे नहीं रखना है, किसे डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी देनी है, किसे नहीं देनी है, तो पूरी तरह से शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा, क्योंकि 2024 के चुनाव भी अब कुछ ही समय बाकी रह गया, लगभग 1.5 से 2.5 साल बाकी रह गए हैं, तो ये पूरी तरह से ये जो पूरी प्रक्रिया होगी आज मंत्रिमंडल को चुनने की और डिप्टी सीएम को चुनने की, ये पूरी तरह से 2024 की रूपरेखा को तय करेगा। तो यानी ये कहना गलत नहीं होगा अजहर की जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसको देखते हुए ही जो योगी के मंत्री है वो तय किए जाएंगे? बिल्कुल साफ तौर से, क्योंकि 2024 का चुनाव है और एक बड़ा चुनाव है, आम चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत हासिल हुई है 2019 की बात करें, चाहे 2017 की बात करें या 2022 की बात करें, तो वही 2024 में जिस तरह के आकलन लगाए जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जिस तरीके की बात कहती आई है सबका साथ और सबका विकास, इसी तरह से सभी धर्म जाति के जो नेता है उनको पूरी तरह से मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, तो इस बार भी 2022 का मंत्रिमंडल होगा और जो 2022 की सरकार का गठन होगा इसमें तमाम तरह के जो जातीय के नेता होंगे उन्हें जरूर शामिल किया जाएगा, और ये पूरी जिम्मेदारी होगी और पूरी सोच समझ के साथ ही, क्योंकि 2024 को देखते हुए मंत्रिमंडल हो, चाहे वो डिप्टी सीएम हो या तमाम तरह की जो सरकार का गठन है, तो बिल्कुल 2024 की रूपरेखा को तय करेगा और उसको देख मद्देनजर ही इन तमाम मंत्रियों का और नेताओं का गठन होगा। अगर अगर बात की जाए इस बैठक की, तो इस बैठक में और तमाम कौन से दिग्गज नेता हैं जो शामिल हो सकते हैं?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी का पूरा शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष, चाहे वो अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, या गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसमें शामिल होंगे। और इसी के साथ साथ प्रदेश जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, संगठन मंत्री सुनील बंसल हो, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हो, इसके साथ साथ तमाम जो नेता है, चाहे वो मंत्री ब्रजेश पाठक हो, तो तमाम जो नेता है वो पूरी तरह से बीजेपी के जो कैडर के जो बड़े नेता हैं वो पूरी तरह से शामिल होंगे। और कई विधायक भी ऐसे हैं जो आज इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। अजय, हमने देखा कि मतगणना के दिन ही होली के त्योहार से पहले होली खेल ली गई थी, तो क्या लगता है कि योगी आज पहली बार दिल्ली जा रहे हैं, तो क्या वहां भी कोई जश्न का माहौल देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, साफ तौर से अब जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ दूसरी बार दिल्ली जा रहे हैं, और जाने के बाद अब तमाम तरह का जो जश्न है वो अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय कार्यालय है वहां पर हो सकता है देखने को मिले। और क्योंकि तमाम जो नेता हैं वो आज प्रदेश से दिल्ली पहुंचेंगे और एक नई सरकार का गठन होने वाला है, तो जश्न का माहौल जाहिर सी बात है जरूर देखने को मिलेगा। और साथ ही जो प्रदेश के जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का वो भी वहां मौजूद होगा, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो वहां मौजूद होंगे, तो एक जश्न का माहौल जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि इतनी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है, 2022 में एक नई सरकार का गठन होने वाला है, तो कहीं ना कहीं एक जश्न का माहौल जरूर देखने को मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में। जी अजर, अगर हम बात करें जाए योगी के शपथ ग्रहण की, तो भले ही तारीखें अभी सामने नहीं आई है, लेकिन अंदर ही अंदर भाजपा जो है वो लगातार अपनी तैयारियां कर रही है और बड़ा जश्न मनाने के मूड में है कि जब ओथ सेरेमनी होगी, यानी कि जब योगी शपथ लेंगे, तो उस दौरान एक बड़ा जश्न भी मनाया जाएगा। जी बिल्कुल, ये भी बातें निकलकर सामने आ रही है कि योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में शपथ ग्रहण जो होगा वो एक भव्य कार्यक्रम के रूप में देखा जाएगा, और तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हों, चाहे वो कार्यकर्ता हों, पूरी तरह जश्न के साथ होली की तरह, बिल्कुल होली के त्यौहार की तरह इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। और पूरी तरह से, क्योंकि जिस तरीके से मतगणना जब हुई है और जब रिजल्ट सामने आए हैं, जब रुझान में भारतीय जनता पार्टी आगे निकलती आई और फिर फाइनली वो सरकार बना ली पूरी तरह से, और उसके बाद ही बीजेपी कार्यालय में एक होली का जश्न देखने को मिला, तमाम तरह की जो खुशियां हैं वो कार्यकर्ताओं द्वारा मनाई गई, तो कहीं ना कहीं ये आकलन लगाया जा रहा है कि शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम होगा वो काफी भव्य कार्यक्रम होगा। जी अजहर जी, आज योगी दिल्ली जा रहे हैं, तो क्या लगता है वो योगी जो योगी है वो कितने देर तक या कितने दिन के लिए दिल्ली में रुकने वाले हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आज और कल हो सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में रहें, और उसके बाद तमाम तरह के जो कयास लगाए जा रहे हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल को लेकर हो और चाहे वो डिप्टी सीएम को लेकर हो और शपथ ग्रहण की तारीख को लेकर हो, आज और कल में हो सकता है इन तमाम चीजों पे विराम लगता नजर आएगा, और तमाम जो फैसले हैं वो आज पूरी तरह से ले लिए जाएंगे। तो हो सकता है योगी आदित्यनाथ आज तो यूपी दौरे पर, आज और कल पूरी तरह से दिल्ली में रहेंगे, और इसके बाद तमाम तरह की जो चीजें हैं उसको लेकर फैसले लेने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल वापस लखनऊ लौटेंगे। आने से पहले मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि इस चुनाव में तो योगी मोदी लहर का असर देखने को मिला, क्या लगता है 2024 के चुनाव में मोदी और योगी की लहर का असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, जिस तरीके से 2022 के चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, साफ तौर से ये जाहिर है कि जनता पूरी तरह से संतुष्ट है, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से पूरी तरह से जनता संतुष्ट है। क्योंकि जिस तरीके से प्रचंड बहुमत हासिल हुई है भारतीय जनता पार्टी को, तो ये साफ जाहिर करता है कि 2024 में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो फ्री राशन की बात की जाए या तमाम तरह की जो योजनाएं हैं इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार काम किया है, तो कहीं ना कहीं जनता ने इसको सराहा है, और इसको लेकर 2024 में भी एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की संभावना नजर आ रही। क्योंकि 2022 के जो चुनाव हैं, जो नतीजे हैं, वो साफ जाहिर करते हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी के रूप में देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदर्शन की अगर बात की जाए, तो लगभग एक सीट कांग्रेस को मिली है, तो बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है, और खासतौर पर
प्रियंका गांधी पूरी तरह से प्रदेश की कमान संभाले हुई थी, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके के नतीजे सामने आए हैं, कांग्रेस को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, तो एक कांग्रेस के लिए भी एक बहुत ही परेशानी की बात है और एक ही बहुत ही चिंतन की बात है कि किस आज हालांकि कांग्रेस कार्यालय में भी प्रदेश कार्यालय में भी आज इसको लेकर बैठक होगी, सोनिया गांधी बैठक लेंगी तमाम पदाधिकारियों के साथ और इस हार की समीक्षा भी करेंगी, तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को एक बहुत मेहनत की जरूरत है। एक विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो सामने एक विपक्ष के तौर पर कांग्रेस जिस तरीके से एक बड़ा विपक्ष के रूप में देखी जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो कमजोर होती नजर आ रही है। तो इस तरीके से अगर देख जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी के रूप में देखी जा रही है और जनता भी पूरी तरह से इन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को सराह रही है और पूरी तरह से ये तो 2022 के नतीजों में ही देखने को मिल गया, हालांकि 2024 के जो नतीजे होंगे वो फिलहाल 2022 के नतीजों से मिलते जुलते ही देखने वाले हो सकते हैं। तो यानी ये कहा जा सकता है कि जो 2022 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के लिए एक रोड मैप तैयार करता है। तो धन्यवाद अजहर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली जा रहे हैं, इस दौरान वो शपथ ग्रहण समारोह और अपने मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है उनसे चर्चा करेंगे। फिर इस बैठक में योगी के समेत जो पीएम मोदी है, अमित शाह समेत कई तमाम जो दिग्गज नेता है वो शामिल होंगे। तो इस दौरान ये कहा जा सकता है कि इस दौरान बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं कि आखिर किनको यूपी का जो मंत्रिमंडल है उनमें जगह दी जाए। तो आपको बताते चले कि चुनाव जीतने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो दिल्ली जा रहे हैं। इस दौरान वो सबसे पहले हिंडन एयरबेस गाजियाबाद पहुंचेंगे, जिसके बाद वो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे, जो पार्टी के शीर्ष नेता है उनसे मुलाकात करेंगे। तो वहीं आपको बताते चले कि इस विधानसभा चुनावों में भाजपा ने एक बार फिर प्रचंड जीत के साथ एक इतिहास दोहरा दिया है, जिसके बाद ही जो हमारे योगी आदित्यनाथ हैं, जो हमारे सीएम थे प्रदेश के, जो सूबे के सीएम थे, वो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में जो पार्टी के शीर्ष नेता है उनसे बैठक करेंगे। तो आपको बताते चले कि अगली खबर हम मथुरा से आपको बता रहे हैं, जहां मथुरा में इस वक्त होली जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। होली का त्योहार इस वक्त मथुरा में मनाया जा रहा है, जहां 40 दिनों पहले से ही होली की शुरुआत हो चुकी है। आपको बताते चले कि होली से पहले मथुरा में तमाम तरह के त्योहारों का जो है वो आयोजन होता है, फिर चाहे वो लठमार होली हो, फिर चाहे वो फूलों की होली हो। तो मथुरा में होली के 40 दिन पहले से ही होली का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो जाती है, जबकि ब्रजमंडल में होली का उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जबकि बीते शुक्रवार को बरसाना में प्रसिद्ध लठमार होली खेली गई। होली के इस उत्सव में देश भर से आए लोगों ने पूरे उल्लास के साथ हिस्सा लिया। पूरे ब्रजमंडल में यह उत्सव 40 रोज तक मनाया जाता है। इसके बाद 14 मार्च को श्रद्धालु मथुरा में ठाकुर द्वारिकाधीश और वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में रंगों की होली खेलेंगे। 16 मार्च को गोकुल की छड़ीमार होली भी खेली जाएगी। गोपियां बालकृष्ण के साथ होली खेलने के लिए छोटी पतली छड़ियां लेकर इस दौरान मथुरा और वृंदावन की सड़कों पर निकलेंगी। मान्यता है कि यदि बड़ी लाठी से होली खेली जाए तो कृष्ण को चोट पहुंच सकती है, इसलिए यहां छड़ियों से ही होली खेली जाती है। तो आपको बता दें कि होली से पहले ही इस वक्त मथुरा में बड़े ही धूमधाम के साथ होली के जो विभिन्न तरीके से जो पर्व मनाए जाते हैं उसकी शुरुआत हो चुकी है, फिर चाहे वो लठमार होली हो, चाहे वो फूलों की होली हो। तो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे देश और प्रदेश ही नहीं बल्कि विदेशों से आए हुए लोग भी मथुरा की होली में बड़े ही धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाते हैं, होली खेलते हुए नजर आते हैं। इस दौरान मथुरा और वृंदावन में सुरक्षा के दृष्टिगत भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहता है, जबकि इस बार पुलिस कैमरा जो ड्रोन है, कैमरे ड्रोन की मदद से सुरक्षा व्यवस्था पे पूरी नजर बनाए हुए है। तो कान्हा की नगरी में होली की धूम देखने को मिली है। वहीं अगर बात करी जाए तो इस दौरान उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के नतीजे आए थे, उससे पहले ही पूरे प्रदेश में भी इस बार होली की धूम देखने को मिली। वहीं अगर बात मथुरा की जाए तो मथुरा में होली से पहले ही कान्हा की नगरी में होली की धूम देखने को मिली है। इस दौरान तमाम जगहों से आए हुए लोग मथुरा और वृंदावन की होली देखने पहुंचते हैं, वहां होली मनाने पहुंचते हैं।
इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए मथुरा से हमारे संवाददाता धनी राम जुड़ चुके हैं। धनी राम जी, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मथुरा में और वृंदावन में होली की जो पौराणिक परंपराएं हैं, आप पहले उनके बारे में हमें बताएं। धनी राम जी, की आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? धनी राम जी, की आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो आपको बता दें कि होली के पर्व से पहले ही कान्हा की नगरी में होली की धूम देखने को मिली है। इस दौरान हमारे संवाददाता धनी राम खंडेलवाल आपको मथुरा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त सीधी तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह मथुरा में होली के पर्व की शुरुआत हो चुकी है। धनी राम जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? धनी राम जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो इस वक्त आपने देखा किस तरह मौके पर जहां हमारे संवाददाता मौजूद है, वहां बड़े ही धूमधाम से होली मनाई जा रही है। हमारे संवाददाता खुद भी रंगों में पूरी तरह सराबोर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरे मथुरा में इस वक्त रंगों की बौछार देखने को मिल रही है। लोग जगह जगह पर होली खेल रहे हैं। तमाम देश प्रदेश विदेशों से लोग मथुरा में एकत्रित होते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह लोग होली के मौके पर नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा मथुरा इस वक्त रंगों में डूबा हुआ नजर आ रहा है। पूरे मथुरा में इस दौरान इंद्रधनुष जैसे पूरे रंग दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान आप देख सकते हैं किस तरह मथुरा में लोगों का भारी हुजूम भी देखने को मिल रहा है। लोगों की भारी भीड़, देश विदेशों प्रदेशों से आए हुए लोग इस दौरान मथुरा की प्रसिद्ध होली देखने पहुंचते हैं। मंदिर में आ रहे हैं और अपने आराध्य के संग होली खेल रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं कि ब्रज में होली का अनोखा पर्व होता है और इस पर्व को हर एक कोई मनाने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। आप देख रहे हैं इस दौरान आप मथुरा से लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह होली के पहले हुजूम देखने को मिल रहा है। लोगों में भारी हुजूम देखने को मिल रहा है। रंगों में सराबोर वहां लोग नजर आ रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं होली से पहले। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण के जो भक्ति गाने हैं वो भी गाए जा रहे हैं। लोग नृत्य भी कर रहे हैं। लोग होली का जश्न मना रहे हैं। पूरा मथुरा इस वक्त रंगों में डूबा हुआ नजर आ रहा है। इंद्रधनुष जैसे रंग इस वक्त कान्हा की नगरी में दिखाई दे रहे हैं। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति मौजूद नहीं है जिसके चेहरे पर रंग ना लगा हो, जिसने होली ना खेली हो। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि जो कान्हा की नगरी में जाके होली खेलता है उसे कान्हा जी का आशीर्वाद जरूर मिलता है। तो एक बार हम अपने संवाददाता से बातचीत करने की दोबारा कोशिश करेंगे। धनी राम जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो इस वक्त हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद है, इस वजह से उन्हें हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वहां लगातार जो लोग होली का जश्न मना रहे हैं वहां पे गाने बज रहे हैं। तो इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं मथुरा की होली की अपनी टीवी स्क्रीन पर। ये लाइव तस्वीरें हम आपको सीधा मथुरा से दिखा रहे हैं कि किस तरह लोग होली का जश्न मना रहे हैं। वह इस दौरान अगर बता दे आपको तो मथुरा में कई फूलों की होली खेली जाती है, कहीं लठमार होली खेली जाती है। इन सभी तरीकों से होली मनाने के पीछे तमाम पौराणिक मान्यताएं भी जुड़ी है। यही वजह है कि लगातार देश प्रदेश से लोग मथुरा जाते हैं, वहां पे होली मनाते हैं, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेते हैं। तो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह जमीन पर ही नहीं अपने घरों की छतों पर लोग खड़े होकर होली खेल रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त प्राइम टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं। मथुरा से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो जो भी दर्शक इस वक्त मथुरा जाना चाहते हैं और मथुरा नहीं जा पा रहे हैं, तो वो इस वक्त प्राइम टीवी की टीवी स्क्रीन पर हमारी तस्वीरें देख सकते हैं। मथुरा की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि आगामी 16 मार्च को गोकुल में छड़ी मार होली खेली जाएगी। गोपियां बालकृष्ण के साथ होली खेलने के लिए छोटी और पतली छड़ियां लेकर निकलेंगी, जबकि ऐसी मान्यता है कि अगर बड़ी लाठी से
यानी कि बड़ी लठ से अगर होली खेली जाए तो भगवान कृष्ण को चोट पहुंच सकती है। यही वजह है कि जो वहां की महिलाएं हैं, जो वहां की लड़कियां हैं, वो छोटी छोटी और पतली पतली छड़ियों से ये होली को खेलती हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से वहां का माहौल है, किस तरह रंगों में डूबा हुआ पूरा मथुरा नजर आ रहा है। तो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर डायरेक्ट मथुरा से ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह रंगों में सराबोर है पूरा मथुरा। मथुरा के लोग इस वक्त होली का जश्न बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। तो हम दर्शकों से एक बार फिर अनुरोध करेंगे कि जो मथुरा जाना चाहते हैं, जो मथुरा की होली देखना चाहते हैं, जो कान्हा की नगरी जाना चाहते हैं लेकिन वो नहीं जा पा रहे हैं, तो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर सीधे मथुरा की लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से वहां होली का जश्न मनाया जा रहा है। लोग रंगों में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। कोई एक भी ऐसा व्यक्ति इस वक्त आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा जिसके चेहरे पर गुलाल नहीं लगा हो, जो इस वक्त रंगों में डूबा हुआ नहीं नजर आ रहा हो। तो वहीं आपको बताते चले कि मथुरा में होली के इस पर्व को करीब 40 दिन पहले से ही वहां के लोगों द्वारा मनाया जाता है। बहुत आनंद आ रहा है। नहीं नहीं, हर साल खेलते हैं हम तो, हर साल आते हैं, हर साल बहुत मजा आ रहा है। हम लोग आते ही रहते, तीसरी बार आया द्वारका देश में, बहुत मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। होली पर्व बहुत अति सुंदर पर्व है। इसमें भगवान श्री कृष्ण बहुत ही अच्छा, बहुत ही आनंद पहली बार है। हम लोग एमपी से आए और बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत अच्छी तरह से होली खेली जा रही है। आरती घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। आरती घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। आदि घोड़ा बाल की जय कन्हैया। मथुरा से, मथुरा से कृष्णपुरी, कृष्णपुरी से आए हैं, कृष्णपुरी से। नहीं हाँ, मैं पहली बार आई हूँ अभी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत उत्साह हो रहा है। मैंने भरतपुर में खेल के आई हूँ, खाटू वाले श्याम जी के यहाँ, और अब यहाँ पे खेल रही हूँ द्वारका धाम में। बहुत अच्छा लग रहा है भीड़ को देख के। यहाँ पे सब कुछ इतना अच्छा है कि बस सो नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते भीड़ से। कविता महेश मेरी, मैं मथुरा से ही हूँ, मैं मथुरा से हूँ, मथुरा से। और मैं तो गर्व अपने आप पे इतना होता है कि ठाकुर जी ने मुझे ब्रज में वास दिया है। ऐसे आनंद की अनुभूति दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकती जो आज यहाँ पे रंग बिखर रहे हैं। बहुत द्वारिका दास की हमें भगवान का आशीर्वाद है कि हम ब्रज में निवास करते हैं, ऐसे ब्रज में जहाँ 16 कलाओं में निपुण भगवान श्री कृष्ण ने अपनी हर जगह छटा बिखेर रखी है। तो इस दौरान आप द्वारकाधीश मंदिर से होली के जश्न की सीधी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह मथुरा में होली का पर्व मनाया जा रहा है। होली को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो कृष्ण की नगरी है होली, तो वहां पे होली में खासा उत्साह देखने को भी बनता है, क्योंकि मथुरा में यानी कि कान्हा की नगरी में 40 दिन पहले से ही होली का जश्न शुरू हो जाता है, जिसको लेकर जो तमाम श्रद्धालु हैं, अभी आपने सुना कुछ श्रद्धालु पहली बार द्वारकाधीश होली खेलने पहुंचे, तो कई श्रद्धालु काफी समय से लगातार हर साल यहाँ कृष्ण की लीला देखने आते हैं, कृष्ण की छटा देखने आते हैं कि किस तरह कान्हा की नगरी में होली का पर्व मनाया जाता है। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह द्वारकाधीश मंदिर में श्रद्धालुओं का भारी हुजूम देखने को मिल रहा है, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस दौरान सभी श्रद्धालु रंगों में सराबोर होकर कान्हा की नगरी यानी कि मथुरा में होली मना रहे हैं। तो इस वक्त पूरे मथुरा ही नहीं बल्कि वृंदावन में भी होली को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह द्वारकाधीश मंदिर में श्री कृष्ण के गाने गाए जा रहे हैं, श्री कृष्ण के जयकारे लगाए जा रहे हैं। लगातार जो श्रद्धालु हैं वो कृष्ण, भगवान कृष्ण की अनोखी छटा देखने के लिए मथुरा में पहुंच रहे हैं। मणिराम जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है?
तो हमारे संवाददाता इस वक्त द्वारकाधीश मंदिर में मौजूद है, जहां लगातार भगवान कृष्ण के जयकारे लगाए जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के गाने गाए जा रहे हैं। यही वजह है कि शायद हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो हमें लाइव द्वारकाधीश मंदिर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर भगवान श्री कृष्ण की अनोखी छटा इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्राइम टीवी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको डायरेक्ट मथुरा से दिखाई जा रही है। तो जो भी श्रद्धालु मथुरा जाना चाहते हैं लेकिन मथुरा जा नहीं पा रहे हैं, वो इस वक्त प्राइम टीवी पर मथुरा से डायरेक्ट तस्वीरें देख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण की होली देख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद ले सकते हैं। धन्यवाद मणिराम जी मथुरा से इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को होली की ये ताजा तस्वीरें दिखाने के लिए। तो इस वक्त आपने देखा कि किस तरह से कृष्ण की नगरी में होली मनाई जा रही थी, किस तरह लोग जो है वो रंगों में सराबोर होते हुए नजर आ रहे थे, जबकि आगामी 16 मार्च को मथुरा में छड़ी होली भी खेली जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।